हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यू जी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव आज का जो हमारा सेशन है बच्चे इसके अंदर ऑर्गेनिज्म एंड और पॉपुलेशन में मैं आपस के इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म क्या है प्रोटोकॉपरेशन क्या है ये सब हम लोग को डिस्कस करना था डिटेल में वहां से आज हमें शुरू करना है इस चैप्टर के अंदर और आज हम इसे खत्म कर देंगे ठीक है फटाफट से नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स इंक्रीज करो क्या सो जाते हो क्या दिन में बताओ अगर आप सो जाते हो तो फिर मैं भी क्यों आऊँ मैं भी सो जाऊँ आराम से हम्म सो जाते हो क्या भाई लिंक को शेयर करो फटाफट से नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स इंक्रीज करो जिससे कि मैं क्लास को फर्दर प्रोसीड कर सकूँ चलिए नींद आती है क्या इस टाइम हाँ थोड़ी सी आपको पता लग जाता है क्या थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी और नॉलेज प्लेटफॉर्म जल्दी जल्दी नंबर ऑफ़ फाइव हंड्रेड इंक्रीज करो फटाफट से लिंक को शेयर करो देखो अगर आप लोग नहीं आओगे आप सभी सो जाते हो अगर अगर ये सोने वाला दिक्कत है टाइम का प्रॉब्लम है तो दिस ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स ठीक है यहाँ पर नहीं कॉमेंट बॉक्स में बताना ठीक है तो फिर उसका भी कुछ करेंगे चलो तो सबसे पहले जब तक आप लोग लिंक को शेयर कर रहे हैं नहीं शेयर करोगे तो मैं ज़्यादा लंबी क्लास फिर लेने ही वाली हूँ मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा अपन पढ़ लें अच्छे से क्वेश्चन ये चैप्टर कंप्लीट कर लें थैंक यू थैंक यू रक्षित लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर मैं नहीं करूंगी यार आप नंबर ऑफ लर्नर्स इनक्रीज करो जैसे कि मैं फटाफट से अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूँ अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़कर पूरे साल भर नीट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अनकेडमी प्लस पर जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है सिर्फ मैं नहीं मेरे साथ इंडिया के 40 प्लस टॉप एडुकेटर्स आपको वहां पर पढ़ाते हैं और ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लिया मेरे कोड से लिया तो सिर्फ आप मुझसे ही पढ़ सकते हैं वो जो 40 प्लस एडुकेटर्स अन अकेडमी के जितने भी एडुकेटर्स हैं सब वहां पर पढ़ाते हैं सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं आपकी जिससे मर्जी आए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे आप उसके साथ अपना स्टार्ट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा जो प्लस प्लेटफॉर्म है वैसे भी बच्चा अभी लॉकडाउन का टाइम है दिस इज द बेस्ट 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 प्लेटफॉर्म टू लर्न और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है ऑफलाइन नहीं है वैसे भी ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ के इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स और बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है बहुत इंटरेक्टिव पैनल है अभी जैसे यूट्यूब पर क्लासेस चलती है वैसा नहीं होता है प्लस पर वो बहुत इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है ठीक है तो वहां पर डेली लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट है डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी बाई चांस क्लास मिस हो जाती है या फिर वैसे भी अगर आपको ऑन रेफरेंस कभी रिविजन मोड पर चाहिए तो रिकॉर्डेड वीडियोज भी इसके अवेलेबल होते हैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है मतलब जिस दिन आप ज्वाइन करोगे एक महीने का शेड्यूल आपको पहले पता लगता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स वहाँ पर आपको मिलता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर हम क्विजस करते ज़रूर हैं बट कौन टॉप कर रहा है मतलब वो गलतियों को रेक्टिफाई वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो आपको प्लस पर लाइव एंड टेस्ट मिलेंगे जिससे कि आप अपने आप को एनालाइज कर पाए हम आपकी गलतियों को रेक्टिफाई करके उन पर काम कर सकें ठीक है और जो मैंने बताया कि सबसे बेहतरीन चीज इस चैनल की जो है कि जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक फैकल्टी से पढ़ सकते हो सारे के सारे एडुकेटर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे अबाउट द प्लस प्लेटफॉर्म टॉप मोस्ट एडुकेटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं पर मेरा भी एक कोर्स ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूं टारगेट ईयर नीट 2021 और 2022 के लिए ईयर लॉन्ग बैच में स्टार्ट कर चुकी हूँ उसका पहला मॉड्यूल कोर्स ऑन प्लांट डाइवर्सिटी पूरा प्लांट डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम ये कंप्लीट हो चुका तीन तारीख से दूसरा मॉड्यूल आ रहा है इसका जिसके अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि कंप्लीट जेनेटिक्स कवर करने वाली हूँ तीन तारीख से मेरा नया कोर्स प्लस पर आ रहा है मतलब नया कोर्स क्या सेकंड मॉड्यूल में पब्लिश कर रही हूं बीच में गैप देने का कारण भी सिर्फ इतना है शुरुआत में बच्चे ना डिसीजन आप फटाफट से ले नहीं पाते हो कई बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स है लेट ज्वाइनिंग वाले तो उनको वो टाइम मिल जाए वो बीच का जो गैप है उसके अंदर वो ये देख लें जब तक मैं जेनेटिक्स शुरू करूँ इसलिए मैंने थोड़े से दिन का बीच में गैप रखा है तो थर्ड को मैं स्टार्ट कर रही हूँ ठीक है तो अगर आप वहाँ जुड़कर हमारे साथ नीट की एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है आप उस पर क्लिक करेंगे फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछता है उसमें आप नीट यूजी पर क्लिक करेंगे फिर इस तरीके के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन वन थ्री सिक्स ट्वेल्व एंड वेडी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल है जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन उतना ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव जिनका भी टारगेट ये नीट 2021 या 2022 में है इन सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस पर जाना ही नहीं है रीज़न इतने से में ना तो कोर्स कंप्लीट होने वाला है ठीक है तो हम वन ईयर या टू ईयर के सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे और ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है देखो तीन महीने का सब्सक्रिप्शन पंद्रह छह महीने का तीस हजार का होता लेकिन इस प्राइस में आपको पूरे वन ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और इसमें आप एक महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा कर दो आपको पूरे दो साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप सब्सक्राइब करें बिना कोड लगाए सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं करना है दिस इज माई कोड जो मेरा नाम है दैट इज शिवानी आप जैसे ही इसे लगाओगे इससे क्या होगा आपको आपकी फीस पर सीधा दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड और थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड हो गई ये तो एक तो फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा प्लस आप सीधे मेरे मेंटरशिप में मेरे गाइडेंस में आ जाओगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप अटैच हो जाओगे पूरे साल भर नीट की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मेरी है आपका शेड्यूल बनाने से लेकर और कल मेरा लाइफ जर्नी देखा अपने हैंड हैंडरइटन नोट्स नहीं दे रही बट वो टेक्निक मैं आप में डेवलप करवा रही हूँ बट हाँ नोट्स तो मैं देती हूँ बट फिर भी आपसे भी लिखवा रही हूँ तो शॉर्ट नोट्स आपको वहां मिलेंगे ठीक है पूरे नोट्स नोट पर आपको मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या मैम कौन सी बुक बुक से मैं मैं किसी बुक को सजेस्ट नहीं करती मैं सारा मैटर खुद भेज रही हूं। तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं है, मैम याद नहीं होता मैम ट्रिक बता दो मैम ये छोड़ रहा हूं क्या करूं मैंने जो कल डिस्कस किया था ना अगर डे वन से स्ट्रैटेजी वैसी हो कि हर बच्चे की वीकनेस अलग होगी हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग होगी अगर डे वन से उसे एक सही मैंटरशिप एक सही गाइडेंस मिले तो बिल्कुल वो नीट क्रैक कर सकता है और सुपर एटीज का, का दरवाजा यहीं से खुलता है जब आप सब्सक्राइब करें इस कोड को अप्लाई करके शिवानी आपको सुपर एटीज के अंदर एंट्री मिल जाएगी ठीक है इट इज ऑल अबाउट दिस अच्छा एक बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैम हम पहले ये इसलिए ले लेते हैं ट्रायल के लिए अरे ट्रायल के लिए पैसे मत खराब करो एक महीने तीन महीने का प्लस पेड प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली और मैं बता रही हूँ इससे बेहतर प्लेटफॉर्म है इंटरेक्शन वहां ज्यादा होता है ऑब्वियस ले रहा है तो उसको उससे बेहतर ही बनाएगा तो टीचिंग स्किल्स अगर आपको लगता है कि कौन सी फैकल्टी कैसा पढ़ाती है यार यूट्यूब पर है तो सही इतने सारे वीडियोस वो देख के आओ आराम से और फिर सब्सक्रिप्शन इन्हीं पर जाना ठीक है चलो ये हो गया नेक्स्ट मैं फटाफट से अपना सेशन स्टार्ट करूंगी भाई तुम लोगों ने नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स इंक्रीज नहीं किए क्या जल्दी जल्दी बताओ थोड़ा फास्ट ये बच्चा फोर नहीं हुआ सिक्स नहीं हुए फोर्थ लेक्चर है आज वो भी इसलिए आपको ध्यान होगा यूट्यूब पर ग्लिच चल रहा था बीच बीच में तो हमारे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मिनट्स के वीडियोस भी हुए हैं दैट वाज द थिंग अगर वो नहीं होता तभी तो, तो मैं उसको रिकवर करने का सोच रही हूँ कि अब कैसे क्या करें तो इस वजह से शुभम गर्ग इस वजह से ये ऐसा हो रहा है और कोई रीज़न नहीं आपको ध्यान होगा ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स के वीडियोज़ भी हमारे हुए हैं दैट वॉज द थिंग और इसमें यही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है उसके बाद नहीं होगा नंबर ऑफ़ लाइव लर्नर्स इंक्रीज करो नंबर ऑफ़ लाइव लर्नर्स इंक्रीज कीजिए ये सारा कुछ मैं डिस्कस करा चुकी हूँ ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं लिंक को शेयर करो भाई नंबर ऑफ़ लाइव लर्नर्स इंक्रीज करो लिंक शेयर नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं और ये एक और चीज सुन लो ये मेरे को रोज टेलीग्राम पर जो मैसेज आ रहे हैं ना अरे भाई पीडीएफ खोल के देखा तो करो शुरू करने से पहले पूरे यूनिट की इस चैप्टर की क्या बात कर रहे हो मैं पूरे यूनिट की पीडीएफ भेज चुकी हूं भाई ऐसे मत करो ऐसे मत करो पूरे यूनिट की पीडीएफ भेज चुकी हूं टेलीग्राम पर जरा देखो तो सही हुआ ये भी हम डिस्कस कर चुके पॉपुलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके पॉपुलेशन एट रेट्स नेटेलिटी माइग्रेशन ये सारा डिस्कस कर चुके लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ये सब पॉपुलेशन ग्राफ ये सब हम देख चुके ठीक है पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोग नेटेलिटी मॉर्टेलिटी इमिग्रेशन एमिग्रेशन ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुकी ग्रोथ मॉडल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज के सेशन में अपन पॉपुलेशन इंटरैक्शन डिस्कस कर रहे थे ठीक है उसमें म्यूचुअलिज्म हो चुका था म्यूचुअलिज्म के आगे हमें डिस्कस करना था ये मैं डिस्कस कर चुकी थी लास्ट सेशन में आप लोगों के साथ म्यूचुअलिज्म एंड एंड ट्री स्पीशीज ये सारा डिस्कस कर चुके अरे सेकंड के बाद ये हो गया ना पूरा नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट म्यूचुअलिज्म हुआ कॉमेंशलिज्म कॉमेंसिलिज्म में क्या होता है सुनो कॉमेंसिलिज्म क्या था पॉजिटिव जीरो था नेगेटिव जीरो था जरा फटाफट से बताना तो दिस इज द इंटरेक्शन पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन था ना आपका एक सेकेंड अरे ये क्या इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड और जो दूसरा है उस ये एक न्यूट्रल रहता है ना तो फायदा होता है ना उसको नुकसान होता है दूसरा जो है वो एकदम इसमें न्यूट्रल रहता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था एक इंटरक्टिंग स्पीशीज को तो बेनिफिट होता है दूसरा एकदम न्यूट्रल रहता है द स्पीशीज इज बेनिफिटेड इसको हम कहते हैं और जिसको अदर स्पीशीज जो न्यूट्रल रहती है उसे हम होस्ट कहते हैं ये सब कुछ नहीं पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है ये आपका हो गया इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए एपीफाइड्स यानी कि ऑर्किड्स विच इज ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट जैसे कि मैंगो पर ये आपके मैंगो से क्या ले रहे हैं ये जो 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 दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं हैं उससे शेल्टर ले रहे हैं। लेकिन क्या मैंगो प्लांट को इससे कोई तो ट्री है तो, shelter, लेकिन host, कि जो है, apparent, ना तो इसको बेनिफिट होता है ना इसको नुकसान होता ये रहता है तो एपीफाइड इसका एग्जाम्पल है दे ग्रोइंग ऑन द मतलब वो वेल के बैक पर प्रेजेंट होते हैं ये भी उससे शेल्टर लेते हैं बस आप इतना डिटेल इनकी जरूरत नहीं है याद रखने की बस और आप ये हेडिंग हेडिंग याद रख लो क्लॉन फिश ठीक है ये भी आपके सी पर फिश दैट लिव अमंग सी एनिमोन गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रिडेटर प्रिडेटर से प्रोटेक्शन मिलता है इसको उसके ऊपर रहने से ठीक है बस ये क्लॉन फिश आप नाम याद रख लो इतना डिटेल याद नहीं है ठीक है टल अर्गिड बर्ड इसके लिए मैं ये नहीं मैं आपको केटल अर्गिड बर्ड फॉर अब इसका एग्जाम्पल डायरेक्टली कॉम्पिटिशन स्टार्ट करने से पहले कमन सेलिमने वो चार्ट तो पहले ही डिस्कस कर लिया था पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन क्या था ठीक है अब आप इसमें यह सुनो प्रोटोकॉपरेशन एक हमने पढ़ा था ना बेटा प्रोटोकॉपरेशन के बारे में प्रोटोकॉपरेशन मुझे कोई इसका एग्जाम्पल बताएगा क्या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है लेकिन किसी को सी एनिमोन एंड हरमिट क्रैब सी एनिमोन एंड हरमिट क्रैब सी एनिमोन एंड हरमिट क्रैब ये और इसका दूसरा एग्जाम्पल लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स सी एनिमोन एंड हर्मिट क्राप्स है ठीक है और क्या था इसका एग्जाम्पल केटल Kettle... खैर ये मैं वहां पर आएगा तब मैं आपके साथ यहाँ पर तीन एग्जाम्पल्स में इसके डिस्कस करूंगी अभी सी एनिमोन एंड हर्गिट क्राप्स लिख लो एक आपके जो बर्ड्स राइनोसिरोस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो भी आपका प्रोटोकॉपरेशन का, का एग्जाम्पल है टिक बर्ड्स ऑन राइनोसिरोस और कैटल अर्गेट बर्ड्स ऑन कैटल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो कॉपरेशन इसमें सी एनिमोन एड हर्मिट क्रैप वाला एग्जाम्पल जो है बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैप इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉपरेशन कॉमेंशलिज्म का हो ही गया था नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉम्पिटिशन के बारे में ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए कॉम्पिटिशन की बात करें कंपटीशन में बताया था मैंने कैसा नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को आपस में एक दूसरे से नुकसान ही होता है तो वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके उसके राम कहानी की जरूरत नहीं है नेक्स्ट मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था कंपटीशन में एक तो गॉज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन करके एक थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वहां से आता है और एक कॉम्पिटिटिव को co क्या होता है रिसोर्स पार्टिशनिंग क्या है मैक आर्थर सर ने दिया था एक ये फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले तो सुनो क्या लिखा है कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन इन द ब्रॉड सेंस रेफर टू द इंटरक्शन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म विच इज ट्राइविंग जो की सेम रिसोर्सिस के लिए अब ये लिख रहा है कॉम्पिटिशन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज फॉर वन आर मॉन कॉमन रिसोर्सिस इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की जरूरत नहीं एक ये था कि कॉम्पिटिशन आप ये कह सकते हो कि कॉम्पिटिशन हमेशा दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में एक डेफिनेशन पहले था ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी बट बत यहाँ के लैंग्वेज पढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि कॉम्पिटिशन बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज और ये सेम रिसोर्सिस के लिए होता है जो कि लिमिटेड हो बट ये जो डेफिनेशन है ना कॉम्पिटिशन की कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में लिमिटेड रिसोर्सिस के लिए ही कॉम्पिटिशन होगा ये सही नहीं है पूर्णतः ये डेफिनेशन सही नहीं है रीज़न क्योंकि कंपटीशन दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज के अंदर भी हो सकता है और कंपटीशन अगर आपका रिसोर्सिस लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड हो तो भी हो सकता है तो इसलिए ये डेफिनेशन तो गलत हो गया तो कॉम्पिटिशन हम क्या कह सकते हैं इट इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच मतलब फंक्शन ऑफ वन स्पीशीज इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनादर स्पीशीज मतलब एक स्पीशीज का जो परफॉर्मेंस है वो दूसरी स्पीशीज के प्रेजेंस होने की वजह से अगर कम हो जाए तो ये सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है आपके कंपटीशन को डिफाइन करने की इट इज़ बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फंक्शन ऑफ वन स्पीशीज इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनादर स्पीशीज पहला जो डेफिनेशन था ये दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होगा आपके लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए लेकिन ये डेफिनेशन क्यों गलत है क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन मतलब एग्जांपल्स मैं इसके बताऊंगी कि दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है और रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की जरूरत नहीं होती कॉम्पिटिशन के लिए अगर आपके रिसोर्सेज अनलिमिटेड है उस कंडीशन में भी कॉम्पिटिशन होता है नेक्स्ट यहां पर जो लिखा है इंट्रा इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन स्पेसिफिक मतलब समझते हैं सेम स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है इट इज मोर एक्यूट क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीशीज के इन सब की जरूरत सेम होगी फॉर फूड स्पेस लाइट वाटर शेल्टर मेट एक्सेट्रा सबके लिए सेम तो डार्विन ने ये सब ये सब छोड़ दो ये जो मैंने बताया सिर्फ ये लिखो ये दिस इज इंपॉर्टेंट कंपटीशन में आप लोग को इससे पहले एक बार आप देख लो कोई डाउट तो आप नहीं डाल रहे हो इससे पहले जितना भी ये पीपीटी में है एक्चुअली मैंने आप आकाश का मॉड्यूल है इसके अंदर इसके नहीं आपको ये ध्यान रखना हाँ एक्सेप्शन जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही टोल्टोज एंड गॉड्स गलपगोज आइलैंड के अंदर दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज बट दे कॉम्पिटीट फॉर द सेम रिसोर्सेज तो क्या बताया दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होता है क्या भाई जी बिल्कुल होता है पहली चीज पहले डेफिनेशन जो थी ना कॉम्पिटिशन का डेफिनेशन लिखो कि भाई कॉम्पिटिशन का डेफिनेशन था कि कॉम्पिटिशन अकर बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज और कॉम्पिटिशन किसके लिए होगा फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज बट यह डेफिनेशन गलत क्यों क्योंकि दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कॉम्पिटिशन हो सकता है और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो भी कॉम्पिटिशन होता है तो दिस आर दिंग्स फिर कॉम्पिटिशन का बेस्ट डेफिनेशन क्या दोगे तो इट इज डिफाइंड एस अ प्रोसेस इन विच द फंक्शन ऑफ वन स्पीशीज इट सिग्निफिकेंटली लोअर मतलब किसी दूसरी स्पीशीज के प्रेजेंस इंटरफेरेंस प्रेजेंस की वजह से उस एक स्पीशीज का परफॉर्मेंस कम हो गया तो इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अन स्पीशीज ये सबसे बेहतर तरीका है आपके कॉम्पिटिशन को डिफाइन करने का अब दो तरीके के जो कॉम्पिटिशन यहाँ पर ये यह बोल रहा है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड कॉम्पिटिटिव को एक्सिस्टेंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो है ये दिया था आपके आ, सर ने गॉड्स प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन भी कहते हैं इनका कहना ये था एक्सक्लूजन नाम से पता है में निकाल देगा वो एक को एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती वाला कॉन्सेप्ट था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का तो उन्होंने ये कहा इसके अंदर देखो क्या कहा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ये कॉज नहीं है बच्चा ये गॉज है गॉज सर ने दिया इट स्टेट दैट इन्होंने ये कहा दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच इज कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसे आप फाइव स्टार मार्क कर लो बेटा यहां से क्वेश्चन आता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गॉज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन जो कि क्या कहता है गॉज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन ये कहता है आपका कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन कंपीटिंग अगर ये सेम रिसोर्सिस के लिए कंपीट कर रहे हैं दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड द इंफीरियर वन जो होगी जो इंफीरियर मतलब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रहे हैं तो ये साथ साथ नहीं रह सकती हैं इनमें से जो इंफीरियर वन होगी

एलिमिनेट हो जाएगी और सुपीरियर वन ही रहेगी दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं लेट्स डिस्कस वन ऑफ द द एक्सपेरिमेंट विद सीलिएट्स इज इन्होंने क्या किया ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा फेमस नहीं है जो एग्जाम्पल फेमस हम बताऊंगी पैरामीसियम कॉडेटम और पैरामीसियम ऑरिल ये दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं प्रोटोजोन्स की इनको सेपरेट कल्चर में एग्जिबिट करते तो एक टिपिकल सिग्मोइड ग्रोथ पॉप अगर इन दोनों प्रोटोजोन्स को आप सेम कल्चर में डालेंगे तो सेम कल्चर इज द लिमिटेड रिसोर्सेज दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं तो सिर्फ पी और इलिया ही सरवाइव किया सोलह दिन बाद देखा तो इट इज दूसरा जो है वो एक्सक्लूड हो गया रीजन द कॉम्पिटिशन मतलब अगर आप इसे दोनों कल्चर मीडियम पर ग्रो कराओगे अलग अलग तो ये मतलब सिग्मोइड शेप एस शेप यानी कि ग्रांड फेज ऑफ ग्रोथ भी होता है मतलब अच्छा ग्रोथ शो करते हैं लेकिन अगर आप इसे सेम कल्चर मीडियम में ग्रो करा रहे हैं तो ये दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है ना रिलेटेड प्रोटोजो ही है तो इनको लिमिटेड रिसोर्स हो गया तो जो सुपीरियर वन थी दैट इज द पी सिर्फ यही सर्वाइव की दूसरी एलिमिनेट हो गई इसका एग्जाम्पल ये वाला तो एग्जाम ये वाला बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड्स रिजल्टेड इन एक्सक्लूजन ऑफ द रिजल्टेड इन द एक्सक्लूजन ऑफ द एवेंडन टॉल्टाइस फ्रॉम गैलपोगोज आइलैंड इन्होंने गैलपोगोज आइलैंड पर अबिंगडन टोल्टोइ वहां पाए जाते थे जब वहां पर बकरियों को गॉड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया तो गॉड के इंट्रोडक्शन के बाद जो अबिंगडन टोल्टॉइज थे वो वहां से गैलपोगोज आइलैंड से एलिमिनेट हो गए रीजन क्योंकि गॉड की जो ब्राउजिंग कैपेसिटी चरने की जो क्षमता है वो इनसे कहीं ज्यादा ज्यादा थी तो बिकॉज गॉड्स आर बेटर ब्राउजर दिस वॉज द थिंग आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन तो ये वाला एग्जाम्पल याद रखना गॉड प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन से कि आइलैंड से का निकलना ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड क्योंकि गॉड की ब्राउजिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है ये हो गया दूसरा ये भी एग्जाम्पल याद रखने लायक है ऑन द रॉकी कॉस्ट ऑफ स्कॉटलैंड सुपीरियर ब्रानिकल बस दे डोमिनेंट ये ज्यादा पाए जाते हैं इंटर टाइडल एरिया पर क्योंकि इन्होंने इन्फीरियर स्मॉल ब्रानिकल बैलेनस को जो इन्फीरियर था

बट इकोलॉजी आकाश का अच्छा है बाकी फिर जो मैं पढ़ाती हूँ वहीं से पढ़ो और कहीं से मत पढ़ो क्योंकि वो यहाँ पर भी है ये बाकी फिर मैं जहां से पढ़ाती हूँ आप वहां से पढ़ो अब आप पूछो आप कहां से पढ़ाते हो भाई सबका मिक्स एंड मैच होता है ठीक है जहां जो अच्छा होता है उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं ठीक है तो बाकी और कुछ मत करना अच्छा कैमरा फोकस नहीं है क्या एक सेकेंड बेटा ओके 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 एक सेकेंड में देखती हूँ ना ओके नाउ परफेक्टली फाइन अभी ठीक है अभी ठीक है ठीक अभी ठीक है कैमरा या नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आपने पढ़ लिया नेक्स्ट इज द कॉम्पिटेटिव को नाम से पता लग रहा है को एग्जिस्टेंस यानी कि साथ में रहेंगे तो क्या कहता है रिसेंट स्टडीज ये एक्सक्लूजन uh, को सपोर्ट नहीं करती इट डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट द कॉम्पिटिशन जहां पर मतलब एक स्पीशीज सर्वाइव करेगी और दूसरा एलिमिनेट ही होगी इसको ये सपोर्ट नहीं करता तो दे पॉइंट आउट दैट कि स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन जो स्पीशीज जो कंपटीशन फेस कर रही है वो एक ऐसे मैकेनिज्म को इवॉल्व कर सकते हैं दैट प्रमोट द को एग्जिस्टेंस रेदर द एक्सक्लूजन मतलब एक ऐसी मैकेनिज्म को आ, वो किया जाए जिससे कि वो को एग्जिस्टेंस पर ध्यान दे रेदर देन द एक्सक्लूजन मतलब साथ साथ रह सके एक्सक्लूजन की जरूरत ना हो तो दिस इज द कॉम्पिटेटिव को ऐसा ही एक मैकेनिज्म जो है इट इज द रिसोर्स पार्टिशनिंग या फिर रिसोर्स शेयरिंग बाय मतलब रिसोर्स पार्टिशनिंग के थ्रू ये को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है हम क्या कर सकते हैं बाय चूजिंग द डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग खाने का जो टाइम है दोनों का अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी फराजिंग पैटर्न चरने का जो हैबिट ये दोनों का अलग अलग हो दो जो भी स्पीशीज वहाँ पर कॉम्पीट कर रही है जिस वजह से रिसोर्स को एग्जिस्टेंस जो है कॉम्पिटिशन को एग्जिस्टेंस को फेवर करता है इसमें रिसोर्स पार्टिशनिंग और रिसोर्स शेयरिंग है आप अपने फीडिंग पैटर्न को चेंज कर दीजिए टाइमिंग को चेंज कर दीजिए तो को एग्जिस्टेंस हो सकता है दिस इज द थिंग ये मैक आर्थर सर ने दिया था इंपॉर्टेंट है ये रहा मैक आर्थर सर ने दिया था कॉम्पिटिशव को एक्सक्लूजन दिया गॉज सर ने कॉम्पिटिटिव को एक्जिस्टेंस मैक आर्थर सर का था तो जैसे कि देखो इसका एग्जाम्पल जो है कॉम्पिटिटिव को का फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वाबलर्स ये कंपटीशन को अवॉइड करते हैं बाय चेंजिंग द फॉर पैटर्न दोनों पांचों की पांचों स्पीशीज को एग्जिस्ट करती हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव को ऐसे ही जो डार्विन फिंचज हैं ये भी तो को करती है तो डार्विन फिंचज भी कॉम्पिटिटिव को का एग्जाम्पल है ठीक है बस दिस इज द थिंग दिस इज द थिंग इज इट क्लियर और एक ही वाला एग्जाम्पल वन बेस्ट एग्जाम्पल साउथ अमेरिकन लेक्स के अंदर साउथ अमेरिकन लेक्स के अंदर विजिटिंग फ्लामिंजोस एंड रेजिडेंट फिशेस दे कम्पीट फॉर दियर कॉमन फूड दू प्लांटोन यही कह रहा है सुन लो आप मेरे साथ इतना तो सबको समझ में आ गया होगा ये मैं पूरा डिटेल में जा रही हूं मैं क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो कॉम्पिटिशन क्या है ये क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है यानी कि दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को नुकसान ही होना है फिर कंपटीशन क्या है हमने डेफिनेशन की बात करी तो हमने बहुत सिंपल सी चीज़ बताई थी कि भाई कंपटीशन में दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं लेकिन ये डेफिनेशन गलत हो गई क्यों क्योंकि ज़रूरी नहीं है पहला जो इसका कमी इस डेफिनेशन के अंदर हो ये कि ज़रूरी नहीं है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही कॉम्पिटिशन हो दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है दूसरा ज़रूरी नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए ही कंपटीशन हो कंपटीशन अनलिमिटेड रिसोर्सेस के लिए भी हो सकता है एक चीज तो ये होगी तो फिर इसको आप कैसे डिफाइन करोगे तो कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनादर स्पीशीज मतलब एक स्पीशीज का फिटनेस दूसरी स्पीशीज की प्रेजेंस में कम हो जाए इसको हम कॉम्पिटिशन कहते हैं फिर कॉम्पिटिशन दो टाइप हमने देखा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड कॉम्पिटेटिव को एग्जिस्टेंस एक्सक्लूजन में तो मैंने बताया कि गॉड्स प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन क्या कहता है जब दो कोज सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करेंगी तो सुपीरियर विन विल सर्वाइव एंड इन्फीरियर वन एलिमिनेट हो जाएगी ब्रानिकल बैलेंस वाला एग्जाम्पल याद रखोगे और गैलपगोज आइलैंड में अबिंगडन टोल्टॉइस का एलिमिनेशन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड क्योंकि उनकी ब्राउजिंग कैपेसिटी अच्छी थी वो वाला ठीक है दूसरा कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस मैक आर्थर सर ने दिया वो ये जो जनरलाइजेशन था ना अबाउट द कॉम्पिटिशन की सुपीरियर स्पीशीज सर्वाइव करेगी इनफीरियर वन एलिमिनेट हो जाएगी वो इसको फेवर नहीं करते तो उन्होंने बोला को एग्जिस्ट किया जा सकता है मतलब जो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज हैं वो एक ऐसी मैकेनिज्म को इवॉल्व करें कि दोनों साथ में रह सकें तो ये कैसे हो सकता है या तो रिसोर्स पार्टिशनिंग हो जाए रिसोर्सिस को शेयर कर लें आपस में फीडिंग पैटर्न अलग अलग कर लें टाइमिंग अलग अलग कर लें तो बिल्कुल ये हो सकता है ये था कॉम्पिटिटिव को co जो कि मैकआर्थर सर ने दिया अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया तो जिसमें से एक 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 तो हमने ये डिस्कस कर लिया फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ दे अवॉइड कॉम्पिटिशन बाई पैटर्न नेक्स्ट क्या बोल रहा है डार्विन फाउंड दैट 14 स्पीशीज ऑफ फिंचर्स को एग्जिस्ट इन द गैलपोगोज आइलैंड ड्यू टू द मतलब जो डार्विन फिंचर्स थे ना वो गैलापोगोज आइलैंड पर 14 डिफरेंट फिंचर्स जो है एग्जिस्ट किए बाय मतलब इनका जो फीडिंग हैबिट था ना बाय द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फीडिंग हैबिट तो को एग्जिस्टेंस हुआ फ्रॉम द फॉरविंग डिस्कशन इट इज क्वाइट क्लियर दैट ये एकदम क्लियर हो गया जो मैंने पहले बताया था कि कॉम्पिटिशन कैन अकर बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होता है सेम रिसोर्सेज के लिए जो कि लिमिटेड है बट आपके दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कॉम्पिटिशन हो सकता है जैसे मैंने बताया था दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज को एक ऐसा एग्जाम्पल देकर बताओ जिसमें दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ हो तो विजिडेंट फ्लैमजोस एंड रेजिडेंट फिशेज दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज दे कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स दैट इज द जू प्लांटोन इन द लेक ठीक है दिस इज द थिंग तो ये सारा यहाँ पर मैं आपके साथ इतनी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर चुकी सारा वही दे रखा है विल अकर ओनली रिसोर्स प्रेजेंट इन द आर लिमिटिंग ये भी सही नहीं है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी उसी को ही दे रखा है कि अनलिमिटेड रिसोर्स के लिए भी आपका कंपटीशन हो सकता है इसीलिए कंपटीशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी वही यहां पीपीटी में है इट इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनादर स्पीशीज इट इज द कॉम्पिटिशन आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ प्लीज मैंशन इन द कॉमेंट बॉक्स इज इट क्लियर बेटा जल्दी जल्दी बताओ भाई सही clear है क्या यहां तक सबको क्लियर है क्लियर क्लियर है नहीं नहीं वीडियोस काफी है बच्चा बुक पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी चलो क्लियर है क्लियर है क्लियर है ठीक है तो दिस इज अबाउट द कंपटीशन दिस इज अबाउट द कंपटीशन नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ सुपर एटीज 2020 के लिए नहीं है बेटा इट इज ओनली फॉर द टारगेट ईयर नीड 2021 और 2022 नेक्स्ट मैंने आपको प्रेटर प्रे रिलेशनशिप के बारे में बताया था थोड़ा बहुत तो कल ही हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेडेटर क्या जो मार के पकड़ के खाएगा प्रे क्या जो पकड़ के खाने में आएगा ये था प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप तो ये देखो ये लिखा हुआ है। प्रेडेशन इन प्रेडेशन ओनली वन स्पीशीज यानी कि प्रेडेटर जो है उसको फायदा होता है एंड द इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल टू द अदर मतलब मैंने बताया था प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में इसमें यहां तक जो राम कहानी लिखी है ना वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप की बात करें पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होता है फायदा किसको होता है प्रिडेटर को जो पकड़ के खाएगा नुकसान किसको होता है प्रे को जो पकड़ के खाने में आता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके इसी के कुछ एग्जाम्पल्स अब इन्होंने यहां पर दे रखे हैं ठीक है टाइगर एंड द डियर कल के सेशन में मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था स्पैरो एंड सीड इम्पॉर्टेंट वन ये एग्जाम्पल भी मैंने लास्ट सेशन में लिया था क्योंकि बहुत से लोग उसे प्रिडेटर प्ले रिलेशनशिप नहीं समझते हैं बट इट इज और हर्मी बोरस एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खा रहे हैं ये भी आपका प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप ही है मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था तो इसमें प्रिडेटर कौन है प्रे कौन है ये बताया नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा ये स्टार मार्क कर लेना बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिडेटर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इको सिस्टम प्रिडेटर के इम्पॉर्टेंट रोल जो है इकोसिस्टम में ये क्या है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल ये प्रिडेटर जो है प्रे को खाता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना ट्रॉफिक लेवल में तो एक तो ये इसका काम है दूसरा यह आपकी प्रे अगर प्रिडेटर प्रे को खाता नहीं तो क्या होता प्रे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंटरेस्ट बस फिर कॉम्पिटिशन इको बैलेंस खराब हो जाता तो इट कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है दिस इज द थिंग ठीक है तो ये आपका इसका रोल है क्या क्या बताया मैंने बच्चा प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में क्या क्या ध्यान रखना है ये मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ प्रिकलीपियर कैक्टस एक्सॉटिक्स स्पीशीज इकोसिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए मैं इसको हटा रही हूं मैं जैसा जैसा बताती जा रही हूँ आप सुनते जाओ तो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में बताया कि प्रेडेटर क्या है प्रे क्या है आपको पता लग गया मैंने ये भी कल लास्ट सेशन में डिस्कस किया था पैरासिटिज्म और प्रिडिटर प्रे रिलेशनशिप में डिफरेंस ये है पैरासिटिज्म में होस्ट को पैरासाइट कभी भी मारता नहीं है वो सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाता है लेकिन प्रिडिटर अपने प्रे को मार देता है ठीक है स्पारो सीड को खा रहा है वो भी प्रिडिटर प्रे रिलेशनशिप है कोई हर भी एनिमल प्लांट को खा रहा है ये भी प्रिडिटर प्रे रिलेशनशिप है और शेर का हिरण को खाना ये भी प्रिडिटर प्रे रिलेशनशिप है इसका इंपॉर्टेंट रोल मैंने बताया एक तो एनर्जी ट्रांसफर करवाता है अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल दूसरा ये प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है ठीक है ये आपका एग्जॉटिक स्पीशीज में भी नहीं डिस्कस करूंगी यहां पर आओ प्रूडेंट प्रूडेंट क्या होता है बच्चा ये जो प्रेडेटर होते हैं ना नेचर इनका नेचर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा केपेबल नहीं होता कि हंड्रेड परसेंट प्रे को पकड़ के खाई जाएंगे अगर ऐसा होता

एंड प्री पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होता तो इसको खाने वाला भी मर जाएगा क्योंकि वो नहीं मिलेगा प्रिडेटर को भी फिर कुछ नहीं मिलेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ प्रिडेटर ऑल्सो ड्यू टू द लैक ऑफ फूड कुल मिला के मैं साइड हट रही हूँ आप देख लो आराम से इसके अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया बहुत सिंपल सी चीज़ वो ये कि प्रोडेटर जो प्रिडेटर जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपके इतने शक्तिशाली नहीं होते इतने मतलब वो नहीं होते कि ये इसको 100 परसेंट इट इज नॉट टू एफिशियंट कि ये इसको पकड़ के खाई जाएंगे ठीक है अगर ऐसा होता तो ये इसे ओवर एक्सप्लाइट कर लेती तो उससे क्या होता सारे के सारे प्रे खत्म हो जाते तो प्रे पॉपुलेशन तो डिस्टिंक्ट एक्सटिंक्ट हो ही जाती प्रे की वजह से प्रिडेटर भी चले जाते लेकिन ये चालाक होते हैं प्रवृत्ति से इनको पकड़ सकते हैं कैसे ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इवोल्यूशन ऑफ तो ये थोड़े से बस प्रूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा सफिशियंट नहीं होते लेकिन प्रूडेंट यानी कि चालाक होते हैं तो लेकिन इनकी चालाकियों से बचने के लिए आपके प्रे के अंदर भी कुछ इवॉल्यूशंस आए और बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया क्या मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ एक सेकेंड यार पानी पी लेने दो एक मिनट रुक जाओ हम्म क्या बता रही थी मैं तो प्रेन एंड प्रेडेटर से बचने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने भी अपने अंदर डेवलप किया क्या था तो वो देखो कुछ एग्जाम्पल्स यहां देखना है।, यह है भाई सी है सी है 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 क्या होता है बच्चा जैसे सपोज करो आसपास जैसा मान लो मैं हरियाली के बीच में ग्रीन वेजिटेशन वगैरह है तो प्रे अपना कलर वैसा ही बना लेगा स्टोनी एरियाज है या फिर रेत वाला है तो अपना कलर अपने आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से वो बदल लेता है उससे क्या होता है जो प्रिडिटर है वो इसे बहुत आसानी से अब जैसे मान लो ये वाइट स्क्रीन है ये वाइट स्क्रीन में मैं वाइट ही अगर एक डॉट लगाऊँ आपको पहचान पहचान में आ रहा है कि आपको पता लग रहा है कि हमने डॉट कहाँ लगाया है नहीं लेकिन ये वाइट स्क्रीन पर अगर मैं एक रेड कलर लगाऊं तो आप आसानी से पहचान पा रहे हो ना जैसे कि यहाँ पर है तो इसी तरीके का मैकेनिज्म किया कि कृप मतलब सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर बना लिया इसे बोलते हैं कैमोफ्लैग तो इससे क्या होता है प्रिंट इसे देख ही नहीं पाता पहचान ही नहीं पाता तो पकड़ के खाएगा कहाँ से ये है कैमो फ्लैग ठीक है देख लो आप सॉरी क्रिप्टिक अपीरियंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू ऑब्जेक्ट विच इज फाउंड इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट मतलब अपना कलर आसपास के जैसा बना लेते हैं टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ अपने आप को प्रिडेटर से बचाने के लिए ठीक है ये आपका इसका है इट अकर इन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स इनके अंदर ये होता है To avoid, मतलब जिससे कि प्रे आसानी से पकड़ के इन्हें खा नहीं पाए फिर कुछ केमिकल डिफेंस होता है chemical में क्या होता है देखो आ, जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है चलो एनिमल्स तो क्या करेंगे प्रिडिटर से बचने के लिए भाग भी सकते हैं सबसे बड़ी दिक्कत है आपके प्लांट्स के साथ तो उनके अंदर भी और बाकी दूसरों में भी होता है केमिकल डिफेंस में क्या होता है मतलब कुछ ऐसा केमिकल सब्सेंस उनके अंदर होता है या तो देखो टेस्ट नाम की भी एक चीज होती है जो कि एनिमल्स में भी होती है तो कुछ तो ऑर्गेनिज्म तो इतने हाईली डिस्टेस्टफुल होते हैं कि एक बार गलती से किसी ने खा लिया तो दोबारा कभी नहीं खाएगा ये मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर है सम प्रे स्पीशीज कुछ तो जहरीले होते हैं कि खाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है इवन तो एनिमल की डेथ भी हो सकती है तो दोबारा कभी नहीं खाएगा दे आर पॉइजनस तो इस वजह से इसे प्रेटर नहीं खाते कुछ जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसे भी प्रेडेटर मोस्टली नहीं खाते हैं रीजन इसके अंदर एक ऐसा स्पेशल केमिकल मतलब ये बहुत ही बेस्वाद होती है इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल तो ऐसे भी प्रेडेटर नहीं खाता मोनार्क बटरफ्लाई इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल तो ऐसे ही नहीं खाते कुछ पॉइजनस भी होते हैं तो उसकी वजह से प्रेडिटर उसे नहीं खाते ठीक है और ये जो पॉइजनस ये केमिकल इज एक्वायर्ड ये मोनार्क बटरफ्लाई में ये केमिकल आता है कहां से दिस केमिकल इज एक्वायर्ड बाय मोनार्क बटरफ्लाई फ्रॉम अ पॉइजनस वीड्स इसके कैटरपिलर स्टेज में पॉइजनस वीड से ही आता है खैर इतना राम कहानी नहीं पूछता आपको याद रखना है मोनार्क बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल इन टेस्ट कुछ केमिकल्स में कुछ पॉइजनस होते हैं तो फिर उन्हें कोई नहीं खाता मिमिक्री का मतलब वही उस जैसा बिहेव करेंगे इट रेफर टू द रिजेम्बलेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अनादर और मतलब किसी और की जैसा रिजेंबल करे या फिर नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरह अमंग विच इट लाइव्स तो इस वजह से उसे नहीं पहचान पाएगा तो उसे कोई खाएगा नहीं बस दिस इज द थिंग ठीक है वार्निंग कलरेशन कॉन्सीलिंग फॉर मतलब ये भी आपका वही है कि इसको इस प्लांट्स का सुन ये इंपॉर्टेंट है ये क्रिप्टिक अपीयरेंस में आगे मतलब कुल मिला के अभी जो मैकेनिज्म पढ़े उसमें ये याद रखना एनिमल्स के अंदर में साइड इट के मैं आपको सारा डिक्टेट कर रही हूँ क्या क्या बताया बेटा कि एक तो एक मैकेनिज्म तो ये है कि अगर आ, मतलब जैसे जो भी प्रेडेटर है वो प्रे को कम नहीं खाएगा कि एक तो वो कि उसे पकड़ में ही ना आए प्रेडेटर पहचान ही ना पाए तो उसके लिए क्या कैमोफ्लैक क्रिप्टिक अप्रेस मतलब वो अपने अपना कलर जो है अपने आसपास के सराउंडिंग ऑब्जेक्ट की तरह बना लेता है जिससे कि वो इजी गोइंग पहचान में ही नहीं आता है पकड़ में ही नहीं आता है तो उसे खाएंगे क्या एक तो ये दूसरा कभी कभी कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर केमिकल सब्सटेंस क्या या तो ये हो कि बहुत ज्यादा जहरीला हो तो जहरीला आपको भूख लगी घर में सिर्फ चूहे मारने की दवाई अवेलेबल है आप खाओगे क्या नहीं खाओगे ना क्योंकि आपको पता है कि क्या है एक तो ये दूसरा एक ये कि है पर आप लोग को लगता है ना अगर आपकी पसंद की चीज एक कुछ होते हैं जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई आपको ध्यान रखना है ये हाईली डिस्टेस्टफुल होता है इसको अगर एक बार खाया तो जानवर दूसरा दोबारा नहीं खाएगा एक ही हो गया प्लांट्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैंने आपको जस्ट मैं बता रही थी कि एनिमल्स तो फिर भी भागेगा प्रेडर थोड़ा मेहनत करेगा उसे पकड़ के खाने में जैसे कि डियर एंड लाइन वाला एग्जाम्पल जो है ऐसे कोई डियर खड़ी थोड़ी रहती है लाइन आएगा तो खाने के लिए आ जाओ भैया मुझे खा ले वो भागेगी वो भी उसके पीछे भागेगा यानी कि अपने अपने आप को बचाव का कोशिश तो करती है लेकिन प्लांट्स के साथ क्या वो तो जिस जगह पर खड़े हैं वहीं पर रहते हैं तो फिर ये अपना बचाव कैसे करते हैं तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टशन भी होती है कुछ पेड़ पौधों में पे ना बहुत कांटे होते हैं उनके ऊपर तो जानवर उन्हें आके नहीं खाते क्योंकि कांटे फिर उनके चुभ जाते हैं दे हैव इवॉल्व एन एस्टोनिशिंग वराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस भी होता है इनके अंदर ठीक है केमिकल डिफेंस कुछ तो पॉइजनस वीड होती है इतने जहरीले कि खाया तो मर जाएगा या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा कैलोट्रॉपिस में भी डिस्कस करूंगी खैर तब आ जाएगा ठीक है है तो ये केमिकल डिफेंस भी होता और मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस दोनों इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर केमिकल मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैंने बताया थ्रॉन्स कांटों का प्रेजेंट होना जैसे कि कैक्टस अकेशियन को कोई खाने नहीं आता कांटे होते हैं इनके ऊपर तो ये एक तरीके का हो गया केमिकल डिफेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलोट्रोपिस कार्डिय ग्लाइकोसाइड्स के बारे में क्या है ये देखो कहा गया आ, हाईली टॉक्सिक और पॉइजनिक्स केमिकल जैसे कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स कैलोट्रॉपिस के अंदर होता है ये कुछ प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्लांट के अंदर होती है इस वीड के आसपास कैलोट्रॉपिस के आसपास कभी आपको कोई जानवर चलता हुआ नहीं दिखेगा इसे रीजन इसमें कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होता है उस पेशेंट मतलब उस पेशेंट बोल रही हूँ मैं उस एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है रिप्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो, हो सकती है उस एनिमल की डेथ हो तो सकती है इस तरीके से केमिकल डिफेंस भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लिखा हुआ इम्पैक्ट ऑफ हरबीवर ऑन प्लांट क्या करता कर कर है बीमार कर सकता है और इवन तो हरबीवर एनिमल की डेथ भी हो सकती है अगर वो ऐसे जहरीले पौधों को खा ले दिस इज द थिंग इज इट क्लेयर टू एवरी इज इट क्लियर टू एवरी दिस इज ऑल अबाउट द प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप अब सुनो इससे आज तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना मैं सारे के सारे आपको फटाफट से फटाफट से रिपीट कर रही हूँ बहुत अच्छे से देखना क्वेश्चन यहाँ से आता है क्वेश्चन क्या सबसे पहली चीज तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप में साइड में आपको जिसको देखना है प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप और पैरासिटिज्म जो है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है लेकिन अंतर क्या है दोनों के अंदर क्वेश्चन आता है प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप में प्रिडेटर जो है अपने प्रे को मार के खा जाता है मार देता है मतलब उसे जान से मार देगा लेकिन पैरासिटिज्म में पैरासाइट होस्ट को कभी जान से नहीं मारता बस उसकी कैपेबिलिटीज को कम करता है दूसरा प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप क्या है तो ये पता होना चाहिए प्रिडेटर मार के खाने वाला इसमें स्पैरो एंड सीड ये भी प्रे रिलेशनशिप -pre है प्लांट्स को हर भी और एनिमल खा रहा है ये भी प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप है ये याद रखना है स्पैरो स्पेशल एग्जांपल ध्यान रखना बच्चा यहाँ गड़बड़ करता है फिर प्रस का इंपॉर्टेंट रोल क्या है इको सिस्टम के अंदर मैंने बताया एक तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल और प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है ये दो इंपॉर्टेंट रोल इसके याद रखोगे फिर ये जो मैकेनिज्म प्रूडेंट होते हैं ये चालाक होते हैं ओवर एक्सप्लोइ तो नहीं कर सकते फिर वो मैकेनिज्म मैंने बताई कि कुछ तो बहुत डिस्टेसफुल होते हैं कुछ जहरीले भी होते हैं ठीक है कुछ अपना कलर बिल्कुल आसपास के जैसा बना लेते हैं फिर प्लांट्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टशन जैसे कि कांटे वांटे प्रजेंट होते हैं कार्डिय ग्लाइकोसाइड्स कैलोट्रोपिस वाला एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट ये आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए ठीक है ये हो गया नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है पैरासिटिज्म की बात करें इसमें जो भी लिखा हो मैं सीधा आपके पास एक्टो वगैरह से पढ़ाऊंगी इसमें जो लिखा है मैं बता दूर पैरासिटिज्म भी आपको पता है कि होस्ट पैसिफिक आपको ये मैं ऑलरेडी एक सेकेंड हाँ ये रहा सुनो अब मेरी सुन लो ये पीटी पीपीटी तो है ही तो आप उसमें से देख लो कि क्रैश कोर्स करा रहे हैं भाई इतना धीरे नहीं चलेंगे थोड़ा फास्ट हमें करना पड़ेगा पैरासिटिज्म में अभी जस्ट मैंने बताया पैरासाइट स्मॉल बॉडी साइज होगा हमेशा होस्ट का साइज बड़ा होता है पैरासाइट को ही हमेशा फायदा होता है होस्ट को नुकसान होता है पैरासाइट इसमें होस्ट को कभी भी जान से मारता नहीं है उसे सिर्फ नुकसान पहुंचाता है ये सारी चीजें हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है ये हम डिस्कस कर ही चुके अडाप्टेशन विच इज़ शोन बाय पैरा इन अकॉर्डेंस विद दिस लाइफ स्टाइल पैरासाइट ने भी कुछ स्पेशल uh, अडाप्टेशन्स उनके अंदर भी नहीं है ने भी कुछ अडाप्टेशन इवॉल्व किए हैं अपने अंदर वो क्या है यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चा पैरासिटिक अडाप्टेशं याद रखना प्लीज़ इनके जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन थे उनको लॉस कर दिया इट इज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन एडहेसिव ऑर्गन और शक्कर और क्लिंग का प्रजेंट होना ये एक है डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन की बात करें तो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल को इवॉल्व किया है तो ये कुछ आपके पैरासिटिक अडाप्टेस है जो पैरासाइट्स ने अपने अंदर इवॉल्व किए क्या क्या बताया एक तो पैरासिटिक अडाप्टेशं के अंदर इट इज़ द लॉस ऑफ अननेसेसरी पांचों के पांचों पॉइंट शुड बी ऑन योर टिप्स क्वेश्चन आते हैं लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन जो भी अननेसेसरी सेंस ऑर्गन थे वो चले गए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी लॉस हो गया एडहेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं टू क्लिंग ऑन टू द ऑब्जेक्ट ठीक है दूसरा आपका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई होगा एंड द कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है इसके अंदर दिस इज द थिंग विच शुड बी ऑन योर टिप्स ठीक है नेक्स्ट ये देखा है द ह्यूमन लीवर फ्लिक आई टर्म डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट टू कंप्लीटेड लाइफ साइकिल ये इतना नहीं पढ़ रहे हम वहीं पढ़ते हैं हाँ भाई ये इसमें नहीं ये तो नोट में डाल के अलग से लिखवाती हूँ अभी होस्ट पैरासाइट ठीक है ना मलेरिया जिससे होता है आपका फीमेल एनोफिल मॉस्क्यूटो जो ब्लड सक करता है ह्यूमन uh, से इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म एक तो ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना फीटस जो मदर के यूट्रस में होता है ये भी पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल नहीं है ये भी आप एक ध्यान रखना मदर फीटस नो फीटस जो यूट्रस में प्रेजेंट होता है जो अपने डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मदर से ही न्यूट्रिशन और सारी चीज़ें लेता है ये भी पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल नहीं है फीमेल एनोफिल वाला तो आपको लगता है यार ये तो पैरासिटिज्म ही है बट ये भी पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल नहीं है इट इज ऑल्सो नॉट अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस और एक ब्रूड पैरासिटिज्म करके आपने सुना होगा ये मैं बता देती हूँ इसमें क्योंकि लिखा हुआ नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लिख लेना क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आता एक ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है कुकू यानी कि कोयल जो है और कौआ क्रो कुकू कुकू ठीक है ये कुकू ऐसे लिखते होंगे साहब कुकू दैट इज द कोयल एंड क्रो यानी कि जो कौआ जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म इसमें क्या होता है आप सुन लो पहले इसके अंदर क्या होता है बेटा ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर कुकू जो कोयल है ना अपने अंडों को ये कौए के घोंसले में रख के चली जाती है ये सेम रिजाम्बलेंस में होते हैं तो पूरा पालन पोषण कौआ करता है बाद में जब वो अंडों को सहलाता है तो जब फूटता है अंडा तब उसमें से कोयल निकलती है तो उसे पता लगता है कि यार ये तो कोयल का अंडा था तो ये एक ब्रूड पैरासिटिज्म है मतलब पालन पोषण कोई और कर रहा है कुकू एंड कोयल कुकू सॉरी कोयल एंड द क्रो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ पैरासिटिज्म इन ट्रू सेंस ये भी पैरासाइट नहीं है क्वेश्चन डायरेक्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग

ये हो गया ठीक है एज आई टोल्ड यू पैरासाइट का इम्पैक्ट क्या होता है दे में सर्वाइवल उसका कम कर सकता है दे में रिड्यूज द सर्वाइवल ऑफ द होस्ट होस्ट का सर्वाइवल रिड्यूज uh, हो सकता है ठीक है दे में रिड्यूज द सर्वाइवल ऑफ द होस्ट दे मे ऑल्सो रिड्यूस द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अल्टर कर सकता है और होस्ट पॉपुलेशन को भी रिड्यूस पॉपुलेशन डेंसिटी लेकिन उसको मारता नहीं है जान से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ठीक है और वो प्रोडेशन ना कर पाए उसको इतना मतलब कमज़ोर बना सकता है दे रेंडर द होस्ट मोर वनरेबल टू प्रोडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक मतलब फिजिकली इतना कमजोर बना दे कि हो सकता है वो प्रोडेशन ही ना कर पाए वो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को मतलब इफेक्ट कर सकता है वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकता है वो उसके सर्वाइवल में लेकिन उसे जान से नहीं मारता बस दिस इज द थिंग ठीक है पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल्स वो जो मैंने अडप्टेशन बताए थे ना प्रेजेंस ऑफ सक्कर ऑर्गन लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल वो इंपॉर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चन आता है वो आपको याद रखना जरूरी है पाँचों के पांचों पॉइंट्स पैरासिटिज्म अडाप्टेशन के ठीक है अब एक होते हैं बेटा एक्टो पैरासाइट्स और एक है एंडो पैरासाइट्स नाम से पता लग रहा है एक्टो यानी कि बॉडी के ऊपर ही प्रेजेंट है अंदर नहीं है और एक होता है पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो पैरासाइट्स की बात करें ये आपके एक्सटर्नल सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं ये आपके पैरासाइट के एग्जाम्पल है ठीक है ये भी याद रखना कस्क्यूटा ये आपका हेज uh, प्लांट ये आपका एक स्टेम पैरासाइट कौन सा है? लीफ

क्योंकि बिकॉज इट नेवर स्पेंड इवन ए शॉर्ट ड्यूरेशन एज अदर पैरासाइट डू मतलब बहुत कम समय भी नहीं बिता मतलब बहुत कुछ सेकंड में तो खून पी के चला जाता है बहुत लंबे समय तक हमारे ऊपर थोड़ी ना रहता But explanation है इसलिए बट एक्सप्लेनेशन नहीं ये जरूर याद रखना इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पैरसाइट इंट्रूसेंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी दूसरे हैं आपके एंडो पैरासाइट नाम से पता लग रहा है एक्टो यानी कि बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है अंदर नहीं एंडो पैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं दैट लिव होस्ट बॉडी जो होस्ट बॉडी के अंदर ही होंगे थीके? तो ये आपके होते हैं ठीक है एक आपका है, hypo, मतलब पैरासाइट जो है टोटली totally डिपेंडेंट है ये इतना कोई। और कोयल वाला मैंने आपको बता दिया ये पूरा वही है कुकू और कोयल वाला जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एमसेलिज्मिज्म क्या है ये देखो एमेंसेलिज्म हाँ भाई पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो कैसा इंटरेक्शन था इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट जिसमें एक स्पीशीज नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन था ना एक को फायदा एक सॉरी एक को नुकसान और दूसरा न्यूट्रल रहता है तो ये तो हम सारा कुछ डिस्कस कर ही चुके ठीक है एमनसेलिज्म में डायरेक्टली आप ये पेनिसिलियम सीक्रेट द पेनिसिलिन पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेपाइसिस एंड एक्टिमाइसिस आपको करने की जरूरत नहीं, right नहीं है ये हो गया यहाँ पर क्लियर टू एवरीबडी right now? Let me know in द comment box. इट इज ऑल अबाउट दिस Sorry, यार नेक्स्ट चैप्टर में हम ईको जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ईको का पीपीटी भी वो मैराथन वाला पीपीटी है ना बाबा सेम ही नाम अलग अलग है तो मैं उसको अलग अलग क्यों भेजू मैंने पहले ही बता दिया आपको पहले ही बता दिया था पहले ही भेज दिया है मैराथन वाली पीपीटी खोल के तो देखो खोल के ही नहीं देखते हो पीडीएफ फिर बोलते हो मैम पीडीएफ नहीं भेजा पीडीएफ नहीं भेजा भाई पूरे यूनिट की एक साथ भेज चुकी हूँ पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है टुडे वी एंड अप विद दिस चैप्टर नेक्स्ट सेशन में मैं जो दूसरा चैप्टर है इसका दैट इज द इको ये आपके साथ स्टार्ट करूंगी लेकिन लंबी कहानी चलने वाली नहीं है अगर आपने ऐसा किया तो नंबर ऑफ लाइव स्टूडेंट्स बढ़ा लिया करो भाई ठीक है थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो इट इज़ ऑल अबाउट दिस यू कैन फॉलो मी हियर टू दैट इज अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो और भाई वीडियो को बहुत सारा प्यार तो दे दिया करो प्लीज़ हिट द लाइक बटन जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्लीज़ हिट द लाइक बटन ठीक है और हमारे चैनल को जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल दैट इज लेट्स क्रैक नीट यू जी आपको इससे सारे वीडियोज कोई मिस नहीं होंगे हिट द बेल आइकन जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लो पी डी एफ वहाँ मिलते हैं और जो भी प्लस पर कोई स्पेशल क्लास लगानी होती है फिर कुछ भी होता है उसके सारे अनाउंसमेंट आपको वहां पर मिलता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है मेरे साथ जुड़कर पूरे साल भर नीट की तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ मैं नहीं पढ़ाऊंगी फोर्टी प्लस एडुकेटर्स हैं वहां पर ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं तो फोर्टी प्लस एडुकेटर्स अगर आप मेरे साथ जुड़कर और हमारी पूरी टीम के साथ जुड़कर साल भर नीट की एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो मेरे सुपर एटीज का पार्ट बनना चाहते हो मेरे मेंटरशिप में मेरे गाइडेंस में आना चाहते हो तो आपको हमारे प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूजिंग माय कोड शिवानी इससे आपको आपकी फी पर 10 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा साथ ही साथ मेरे मेंटरशिप और मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आप आ जाओगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे आपकी सारी तकलीफ उसके बाद मेरी है हम रोज़ बात करेंगे सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे ठीक है आपका पूरा प्लानर मैं बनाऊंगी दिन का शेड्यूल कि कैसे क्या करना है शॉर्ट नोट्स की ट्रिक्स जो मैंने बताई थी वो सारा मैं करवाती हूँ मेरे उन बच्चों से और डे वन से एक ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि यार कुछ भी हो सिलेक्शन तो हो जाए तो डे वन से अगर एक प्रॉपर मेंटरशिप एक प्रॉपर गाइडेंस मिले तो एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट बहुत आसानी से नीट क्रैक कर सकता है तो वही सारा कॉन्सेप्ट मेरे सुपर एटी में है जो आप इस कोड से सब्सक्रिप्शन लेके मेरे सुपर एटी के अंदर एंटर कर सकते हैं ठीक है ऑल ऑफ इट थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ओनली टेन परसेंट और कितना चाहिए ठीक है इट इज़ अबाउट दिस थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे कल इसी समय और छः बजे जेनेटिक्स की क्लास लगेगी आ जाना सिक्स ओ मिलते हैं वहाँ पर ठीक है बाय